सुनिए 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 अभी भारतीय गोली जो समझ रहे हो समझे। अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो कौन सा ऐसा उत्तराधिकारी है जो भारत देश को आगे लेके जाएगा, गरीबी को दूर कर देगा। बाबा बन के आते हैं कि मैंने बाबा हूँ, देश में कुछ नहीं है और यहाँ आके जनता को खून पीते हैं और क्या होता है। परिभाषा हिंदू की क्या है बताओ, परिभाषा पूछ रहे हैं। नहीं, हिंदू में हम भी हिंदू है, क्या मुस्लिम नहीं है? परिभाषा इनसे पूछो पहले, हिंदू की परिभाषा। हमारे हिसाब से भारत भूमि में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। भारत भूमि में रहने वाला हर एक व्यक्ति। मैं पूछना चाह रहा हूँ महाराज जी से। अच्छा, क्या पूछना चाह रहे हैं? जब मुस्लिम शासक भारत में आए तो क्या अपनी बीवियाँ लेके आए थे? ये है कांग्रेसी, एक बात बताओ, बोला होंगे आपने बीजेपी ज्वाइन किया होगा, लेकिन मेरी सदस्यता कांग्रेस में या भारत के किसी पार्टी में कोई दिखा दे उस दिन मैं अपने आप को सुसाइड कर लूंगा, और अगर नहीं निकला तो ऐसे बाबा राजू दास लेकर बोले किया जाएगा। राजू दास प्रचार करते हैं बीजेपी का कर्मी, उनका गोली मार दे। उनकी सुरक्षा में चलने वाला कोई सनातनी ही उनको गोली मार सकता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी घटना हम लोग पहले भी देख चुके हैं इतिहास में। स्वामी प्रसाद मौर्या का जो उनका सिक्योरिटी गार्ड है वही उनको गोली मार देगा। बिल्कुल, कोई बहुत नए संसद भवन का उद्घाटन और आज उसके अंदर सारे सांसद पहुंच गए हैं, काफी खुशी है सांसदों के अंदर। क्या कहना चाहेंगे, आज तो नया भवन नई नीतियों के साथ। हाँ, ये इससे तो हमको खुशी है, लेकिन जो हमारी 140 करोड़ जनता गरीबी से मर रही है, जिससे जिसको कहते हैं मोदी जी मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ, अरे अभी तो आप 9 साल में 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर आप 2024 में जनता आपको ले आई तो 140 करोड़ जनता भीख मांगने लगेगी, इसलिए 140 करोड़ जनता जागरूक है और इनको 2024 में इनका खदेड़ा करेगा कि आप जाइए। बगल में बाबा जी खड़े, बाबा जी खड़े, इधर देखिए बाबा जी भविष्यवाणी करके जा रहे हैं 24 में आएंगे। सही कर रहे हैं। ये किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी पार्टी आएगी? अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो कौन सा ऐसा उत्तराधिकारी है जो भारत देश को आगे लेके जाएगा, गरीबी को दूर कर देगा? और क्या, महंगाई बढ़ा दी है, क्या नहीं बढ़ाई है? बाबा बन के आते हैं कि मैंने बाबा हूँ, देश में कुछ नहीं है और यहाँ आके जनता को खून पीते हैं और क्या होता है। ये कह रहे हैं बाबा जी, कह रहे हैं हाँ ना, बाबा क्या हो रहा था उसके पहले, क्या हो रहा? 28 साल में खून पी गया तुम्हारा, तुम्हारा 28 साल में खून पी गया, 60 साल में खून पी गया, खून पिया जा रहा है, क्या बात कर रहे हो? कौन कौन कौन, गरीबों को खून पिया जा रहा है? सरकारें बनेंगे ना, बनेंगे ना प्रचंड बहुमत से, हिंदू हम भी है, हिंदू आप भी है, हिंदू हम भी है, हम लोग का क्या लाभ मिला है? परिभाषा हिंदू की क्या है बताओ, परिभाषा पूछ रहे हैं, हिंदू किसे कहते हैं? नहीं, हिंदू में हम भी हिंदू है, क्या मुस्लिम नहीं है? सनातन है, क्या मिला हम लोग का क्या? अरे हम सब सनातन है, हिंदू नहीं है, हम सब सनातन है, हिंदू नहीं है। बात ना ये बता रहे, हम सनातन क्या मानने वाले, हिंदू नहीं कह रहे हैं, हिंदी से पूछे हिंदू की परिभाषा क्या है बताओ, हिंदू की परिभाषा हमसे। हाँ, बाबा बता रहे हैं 2024 में मोदी जी आएंगे, हिंदू की परिभाषा इनसे पूछो पहले, आपसे पूछ रहे हैं हिंदू, ये आप बताओ हिंदू, आप बताओ हिंदू हो भारत, बता रहा हूँ हमारे हिसाब से भारत भूमि में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। भारत भूमि में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। तो यार मेरे बात करने दो ना, बात कर, हिंदू नहीं है सनातनी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ महाराज जी से। अच्छा, क्या पूछना चाह रहे हैं? जब मुस्लिम शासक भारत में आए तो क्या अपनी बीवियाँ लेके आए थे? कितना गहराई में जा रहे हैं आप, अपनी बीवियाँ लेकर क्या कहना चाह रहे हैं आप, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ वो शासक बीवियाँ लेकर के आए थे, ऐसे कमजोर हिंदुओं की औरतें जाकर के उनके साथ सोई बच्चा पा दे, क्यों भारत में जितना मुसलमान है वो यहाँ छूट गया, और जो विदेशी लोग मुस्लिम थे या तो मार के भगा दिए गए, वो मर गए या वो हो गए। आपका नाम पूछ रहे हैं, मेरी बात सुनो, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है, दिनेश मिश्रा है। भाई एक मिनट, भाई एक मिनट, आपने ऐसी अवैध टिप्पणी हमारी माता और बहनों पर की है, मेरी एक मिनट एक मिनट प्लीज, पता है अगर आप अभद्र मानते हो तो आप मानो अभद्र, अरे प्लीज, अरे प्लीज, अरे प्लीज, अरे प्लीज, आपने आपने ऐसी
आपने ऐसी घटिया टिप्पणी हमारी माता और बहनों पर, मतलब हमारी माता और बहनों पर, हिंदुओं पर नहीं, कारण देंगे बिल्कुल दूंगा। हिंदू कोई नहीं है यहाँ, सब सनातन धर्म चला आ रहा है, सनातन धर्म चलेगा, सनातन धर्म आगे भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का चाहे जितना पोपो डंडा चलाए उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई हिंदुस्तान में हिंदू धर्म नहीं है, सब सनातनी है, रहेंगे, आगे भी चलता रहेगा। जहाँ तक मैंने वेद पढ़ा, संहिता पढ़ा, हमने पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, कहीं भी जो हमारा धर्म है वो जीव की संज्ञा देता है, जीव की संज्ञा, जीवात्मा, वो जीवात्मा की संज्ञा नहीं देता, वो कहीं भी ना ब्राह्मण की संज्ञा देता है, ना शूद्र की संज्ञा देता है, ना ही वैश्य की संज्ञा देता है, ना कहीं देता है। इस समाज को चलाने के लिए राजा महाराजाओं ने अपने ढंग से बनाया कानून और चलाया, बाकी सबको जीने का अधिकार हमारे यहाँ मिट्टी से लेकर के टट्टी तक की पूजन कराए का प्रावधान है। हम किसी को बाहर से लेकर टट्टी तक, जी हाँ, गोबर से लेकर के और मिट्टी तक की पूजा करने का प्रावधान हमारे यहाँ है, और सबको अपने ढंग से जीने का अधिकार है। ये जो तथा कथित सनातनी सब सनातन शब्द है कहाँ? बाबा देखिए, बाबा आए, बाबा कह रहे हैं सनातन लाखों वर्ष पहले रहा है, शुरू से सनातन कहाँ है? अब आप सुनिए, आप मिश्रा है ना, आप मिश्रा है, मेरी बात सुनो, हमेशा रहा रहेगा। अगर सनातन को खत्म करने का किसी ने ठेका लिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुस्लिम। पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सनातन को खत्म करेगी क्या? भैया कांग्रेसी है, ये है कांग्रेसी, उसने सनातन धर्म को बचा के रखा है, अगर वो ना बचाती ना तो आज पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। अभी तक सनातन धर्म कहाँ खतरे में है? भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग है सब कांग्रेसी, ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये लोग है कांग्रेस, सुन लो बोलने दो हमको, ये है कांग्रेसी। एक बात बताओ, ये कांग्रेसी से पहले मिश्रा है? नहीं है मिश्रा, मिश्रा नहीं है, मिश्रा नहीं है। आप सुने बोला होंगे, आपने बीजेपी ज्वाइन किया होगा, लेकिन मेरी सदस्यता कांग्रेस में या भारत के किसी पार्टी में कोई दिखा दे उस दिन मैं अपने आप को सुसाइड कर लूंगा, और अगर नहीं निकला तो ऐसे बाबाओं को सुसाइड करना पड़ेगा। सुना बताया, जवाब ले लो, रुक जाओ, आपने इनको कांग्रेसी कहा, ये काम कांग्रेसी नहीं है, मात्र हत्या कर लेंगे अगर आप साबित कर दें। भारत के किसी पार्टी में मेरा नाम दिखा दीजिएगा, अगर उस दिन मैं करूंगा, ये लोग पैसा लेकर के पार्टी लेकर के, सुन लो, सुनिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का, जवाब ले लें दो, राम का कौन नहीं है? नहीं, ये लोग राम के नहीं है, आप राम के नहीं है जी, आप राम के नहीं है, राम के मैं नहीं हूँ, राम का मैं नहीं हूँ, राम ने मुझे पैदा किया है, मेरा नाम है, राम को नहीं लाए हैं हम लोग, राम को नहीं लाए हैं, राम हमको लाए हैं, ये लोग जो है राम को लाए हैं, और राम हमको लाए हैं, ये राम के नहीं है, हम राम के हैं, हम आप राम के हैं, हम राम के हैं, ये राम को लेकर राम के नहीं है, उनके राम है। साल उसमें काम में लगा दिया, राम की गुलामी को बढ़ गया, साल ये राम के नहीं, एक बार पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे होइए, राम को लाए हैं, हमको लाए हैं, राम को उन्होंने पैदा किया है, राम ने हमको पैदा किया है, गुमराह कर रही है, उसको पैदा किया, लोग केवल चिल्लाने दे रहे हैं, दीजिए जवाब, दीजिए, रुको बाबा जवाब दे रहे हैं, दो मिनट रुक जाओ, शांति से आप लोग खड़े हो जाइए, बाबा जवाब देंगे, बाबा जवाब देंगे, बाबा देखिए देखिए, ऐसा है कि इन्होंने कहा कि जो है हम किसी पार्टी से पैसा लिए हैं, आप मेरी एक डॉक्यूमेंट्री बनवा लो भाई मेरे, हैं कि हम कहाँ के रहने वाले, क्या है और किस पार्टी, सुन लो एक मिनट, पहले बोल लो तो यहाँ में बोलने दो, बोलो लो, जवाब सुन तो लो, ये कैसे कह रहे हैं कि हम पैसा लिए साबित करेंगे, गोली मारो कांग्रेस का, क्या सुनूं, लाइन पर जाएंगे क्या, बहुत सारे बनाओ, ये कैसे क्या पैसा लेके प्रचार बीजेपी का कर रहे हैं, बीजेपी का मेरे अध्यक्ष के बगल कितने बाबा है, राजू दास लेके मार देंगे, बोले किया जाएगा, राजू दास तरह ले ले प्रचार करते हैं बीजेपी का, बताइए अभी अभी बोले बाबा।
बाबा, अभी बाबा बोले स्वामी प्रसाद मौर्य का गनर ही स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मार देगा। ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह बीजेपी में बाबा शोषण किए जाते हैं, ठीक है। बताइए हमारी समाज कोई भी पार्टी नहीं है, कोई भी गोली मार दोगे बाबा? बाबा आप बाबा महंत जी, महंत जी, महंत जी, ये कैसे कहे कि पैसा लिया हमने? कैसे कहा कांग्रेसी का? मैं कांग्रेसी हूँ। गोली का अधिकार किसने दिया इनको? गोली का अधिकार किसने दिया इनको? एक मिनट, अभी अभी राजा कर गए यार। सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अभी गोली जो समझ रहे हो, समझे? अरे तुम ब्राह्मण के नाम पे कर दो, ब्राह्मण नहीं हो। अरे जाओ ब्राह्मण, पत्रकार साहब, अभी सबसे घटिया टिप्पणी माताओं पर इन्होंने की है, हिंदू का नहीं, हिंदू नहीं, धर्म को लो, ये धर्म का जो विरोध करेगा, ये देश का जो विरोधी है। चलिए चलिए चलिए, सुनिए सुनिए सुनिए, टिप्पणी नहीं कही माताओं पर, आपके खिलाफ आपके खिलाफ। अरे ठीक है।